नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। हम हैं सिवलु, आपके अपने शहर, आपके कुशीनगर शहर में मौजूद हूं। और यहां पे वीडियो तो आप लोग अनेक देखते हैं, अनेक अनोखा देखते हैं, लेकिन आज मैं एक और नई भाभी से मुलाकात करवाना चाहता हूं, आप लोगों से बात करवाना चाहता हूं, ताकि आप लोग जानिए, इनकी भी बात को सुनिए कि कैसे ये वीडियो बनाती हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, किस तरह से लोग इनको भी बोलते हैं, ताकि ये भी जानकारी आप लोग को दिलवा देते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है भाभी। तो सबसे पहले सभी लोगों के नमस्कार प्रणाम। हम रंजू राज बलिया, आप सभी को गोड़ छुके गोड़ लागत है। कहाँ तो से आप आते हैं, कहाँ की हैं? मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना से हैं? मैं बलिया से हूँ, लेकिन रहती लुधियाने में। अच्छा, लुधियाना में रहती है। कब कुशीनगर आगमन कब हुआ आपका? मेरा हो गया हफ्ता दिन हो गया। अच्छा, आया हुआ। अच्छा, कब तक रहना है कुशीनगर में? अभी देखिए कब तक रहती हूँ ये नहीं बता सकती, जब मर्जी आ सकते हैं लेने के लिए। तो आपने कुशीनगर आई तो सबसे पहले किससे किससे मिली? मैं सबसे पहले आई तो मैं रिंकी दीदी से मिली। कौन सी रिंकी दीदी? ये रही भाभी। अच्छा, और वो। अच्छा, यही दोनों मेरे को बुलाई थी फोन से। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोग कितने दिन पहले से वीडियो बनाते हैं, कब से वीडियो बनाते हैं? मेरा हो गया एक साल। एक साल से वीडियो बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या नाम से आपका चैनल है? रंजू राज बलिया 5546। अच्छा, रंजू राज बलिया 5546 के नाम से इनका चैनल है जो इंस्टाग्राम पे। तो किस तरह का वीडियो बनाती है आप? ऐसे डांस वीडियो, लॉन्ग वीडियो, जैसे ब्लॉग वीडियो, जो भी ऐसे होता है। तो डांस वगैरह कहाँ सीखी हैं आप? डांस वगैरह कहीं से सीखी नहीं हूँ, बस ऐसे आता था। अच्छा, मेरे बनाती को हैं आप? मेरे को आता था, जैसे बचपन से ही मेरा शौक था डांस वगैरह का। बचपन से ही मैं चाहती थी डांस करूँ, तो पहले मैं वीडियो दूसरे का बहुत देखती थी। जैसे मेरे देखने का बहुत शौक था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि दूसरे के वीडियो देखती हो तो खुद का वीडियो बनाया करो। उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ, वो मेरे को सपोर्ट किए। तो फिर मैं बोली मेरे को चैनल बनाने नहीं आता, फिर मेरे हस्बैंड चैनल बना के दिए। बिल्कुल। बोले कि वो मैं करते हैं आपके चैनल, मतलब पति वो स्पोर्ट कंपनी में ड्यूटी करते हैं। तो आपके चैनल मोनेटाइज हो चुका है क्या यूट्यूब? अभी नहीं हुआ है। देख पा रहे होंगे, लेकिन मेहनत इनका जारी है, निरंतर ये प्रयास करती हैं, काम करती हैं, और इनको पति ने इनका मोटिवेशन दिया ताकि इन्होंने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे आई और वीडियो बना रही हैं। तो आगे क्या आपका लक्ष्य है वीडियो बनाने का? मेरा लक्ष्य है कि मैं भी थोड़ा नाम कमाऊं। नाम किस तरह से कमाना चाहती हैं? अच्छी तरीके से, जैसे गंदे से नहीं, अच्छे तरीके से, जैसे साफ सुथरा हमारा वीडियो हो और साफ सुथरा, मतलब सब कुछ हो। ये तो नहीं, आगे चल के मान लीजिए कि आप वीडियो बना के वायरल हो जाती हैं, अच्छा पैसा कमाने लगती हैं, तो और भी आपका क्या सपना होगा? मैं कि यूट्यूब लाइन में आपको क्या करना है? केवल यूट्यूब में ही सीमित रह जाना है कि सीरियल में जाना चाहती हैं, फिल्मों में जाना चाहती हैं, क्या राज है? जहाँ पे काम मिलेगा वहाँ पे मैं चल जाऊंगी। काम मिलेगा, काम करिएगा, सीरियल वगैरह में। हाँ, करूंगी। तो आपके पति नहीं बोलेंगे कि नहीं? मेरे पति, मेरे पति ला के यहाँ छोड़े सपोर्ट के लिए। अच्छा। नहीं तो अनजान शहर में नहीं, मैं किसी को नहीं यहाँ जानती हूँ। अच्छा, लेकिन फोन से ही बात हो गई। दौर में सोशल मीडिया की वजह से बातचीत, ये लोग बातचीत, कई मित्र मिल गई, बस कई मित्र मिल गई है और यहाँ तक मैं आ गई हूँ। नहीं तो मैं कहाँ गई है वीडियो लाइन से पहचान? कहीं नहीं, बस पहली बार कुशीनगर आई हूँ। देख पा रहे होंगे कि वीडियो ने इनका पहचान दिलाया, इनका मान सम्मान बढ़ाया है, ताकि कुशीनगर में जो क्रिएटर लोग हैं इनसे कांटेक्ट किया, इनको अपने यहाँ बुलाया और आई तो बहुत खुशी महसूस कर रही है कुशीनगर में। कुशीनगर बहुत अच्छा लगा। कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत मिल रहा है और बहुत अच्छा भी लगा यहाँ के। लुधियाना में तो जैसे कहीं वीडियो बनाते हो ना, सब मजाक बनाते हैं, बोलते हैं कि सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ गली गली मतलब क्रिएटर है, मतलब जहाँ जाओ वो वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, मतलब जिधर जाओ मोटिवेशन मिलता है मेरे को। हाँ, देख के थोड़ा हिम्मत भी मिलता है। देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे वीडियो बनाती थी वहाँ पे अनाप शनाप लोग बका करते थे, और यहाँ पे है तो लोग एक दूसरे को देख कर वीडियो बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है? नहीं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे इतना मतलब टॉर्चर मेरे को हो रहा था कि मैं, मेरे को लग रहा था ना मैं कुशीनगर में ही रूम लेके रह जाऊँ। ऐसे लुधियाना में मेरा घर है, लेकिन इतना टॉर्चर की वजह से मेरे को मन कर रहा था कि वहाँ मैं जाऊँ ही। तो अभी आपको ऐसा किसी ने बोला हो जो कि आप बहुत गलत काम कर रही हैं सोशल मीडिया पे, अच्छा नहीं कर रही हैं, किसी ने बोला है आपको? बहुत लोग बोले हैं, बोलते हैं कि ये सब तुम काम छोड़ दो, ये सब बहुत बेकार है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं जिसको बेकार लगता है मत देखो वीडियो। बिल्कुल। बोलते हैं तुमको बेकार लगता है तुम ब्लॉक कर दो, मत देखो। मेरे को अच्छा लगता है ना, जब मैं सपोर्ट करता हूँ तो फिर किसी को नहीं, इसीलिए। तो आगे यही फिल्मों में और सीरियल में काम मिलेगा तो आप करना चाहेंगी? हाँ, करना चाहूंगी, करूंगी। और भी दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि मेरा भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए आप लोग,
रंजू राज बलिया के नाम से चैनल है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब एक ही नाम से है। एक ही नाम से तो जाइए एक बार इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत लोगों को आप सब्सक्राइब किए हैं, बहुत लोगों को देखते हैं, इनका भी डांस देखिए, इनका भी कला देखिए, जाकर इतना बेहतरीन सा करते हैं कि आप दीवाने हो जाएंगे भाई साहब। धन्यवाद, नमस्कार।